दोस्तों, मेरे टू व्हीलर के मैकेनिक भाइयों, आज आपको एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से 8 से 10 साल जिसने टू व्हीलर के अंदर में मैकेनिक का काम किसी उस्ताद के पास सीख कर करके अपना गैरेज डाल करके काम कर रहा है, तो फ़ोन आते हैं। उनको क्या है, ये समझ में ही नहीं आता है कि कैसे कोई एक महीने के अंदर किसी भी व्यक्ति को पूरा टू व्हीलर रिपेयर में ट्रेन कर दे। ये बात उनको हजम नहीं होती है। तरह तरह के वो अपने कुछ ज्ञान देने लगते हैं कि उसको इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी में काम करते रहने से ही आता है। एक बेसिक नॉलेज हो जावे तो एक्सपीरियंस में आपको बढ़ोतरी ही करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं संभालता हूँ कि अगर आपको एक 100 मीटर की रेस करनी है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, 100 मीटर पे आपको पहुँचना है, ठीक है। कोई जो नया मैकेनिक है टू व्हीलर का, उसको सीखने में 2 से 3 साल मिनिमम लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि 100 मीटर रेस है तो उसको 2 से 3 साल लगेंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ आकर के अगर वो ट्रेनिंग लेता है, सारी गाड़ी हीरो, होंडा, टीवीएस, सुजुकी, बजाज, यमाहा, बुलेट, स्कूटी, एक एक गाड़ी हम लोग पूरी खुलवाते हैं और फिर वापस उनसे बदलवाते हैं, 10-10 का बैच होता है, तो उनके डाउट्स क्लियर करते आते हैं, क्लासरूम के अंदर में भी बताते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो जब आप सिर्फ एक महीने में आप ये ट्रेनिंग ले लेते हो, तो मतलब ये समझ लो कि किसी आदमी को जो यहाँ से 100 मीटर पहुँचने में 2 से 3 साल लगे, एक महीने में सीख लिया तो आपने ऑलरेडी 70% रास्ता कवर कर लिया। मतलब ये है कि 2 से 3 साल की जगह में अब आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है तो किसी भी वर्कशॉप पे जाकर के आपने काम करना स्टार्ट किया, नॉलेज आपको पूरी हो गई है, 100% नॉलेज हो गई है, किसी भी वर्कशॉप पे जाकर के आपने काम किया, तो आप बहुत क्विकली यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि जानकारी आपको पूरी हो चुकी है। अब आपको अपने एक्सपीरियंस लेना है तो आपने वर्कशॉप के ऊपर में जाकर के 4 से 5 महीने काम कर लिया तो आपके जैसा मैकेनिक आपके शहर में कोई नहीं होगा। BS6 गाड़ियों का एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विसिंग करने का एक्सपर्ट, हर गाड़ी मल्टी ब्रांड का एक्सपर्ट, जो रास्ता आपको तय करने में 2 से 3 साल लगते थे, हमारी ट्रेनिंग ले ली तो आप एक बहुत आगे पहुंच गए। मैं 70% इसलिए बोलता हूं कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी मैं बहुत महत्व देता हूं। और दूसरी चीज़ ये कि हम में से कोई भी भगवान नहीं है जो बोले कि 100% जानते हैं, और न ये हम बोलते हैं कि 100% सिखाते हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है आप कॉल करोगे तो मेरे जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं यहाँ पे आपको उसमें सहायता करेंगे, वीडियो कॉल पे भी सहायता करेंगे, आजकल तो सब सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक दौड़ जिंदगी की लगा रहे हो तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप 2 से 3 साल लगाओ, किसी के यहाँ फ्री बैठ करके काम करो, क्योंकि मैकेनिकों के हमारे पास में ये भी मैसेज आते हैं कि मैं तो फ्री में सिखाता हूँ। भाई, फ्री में सिखाने का मतलब ये है कि 2 से 3 साल रगड़ाते हो। हमारे यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एक जंप स्टार्ट मिल जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपका ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत कर कर करके हमारे से सीखने के बाद में आपने कहीं पर जरा सी प्रैक्टिस की और आप अपने शहर के उस्तादों के उस्ताद बन जाओगे। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आएगी। जिसको नहीं आना है वो तरह तरह के बहाने लगाएगा। हाँ, इन सब को करने के लिए कॉस्ट लगती है। हमने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है, हमारे ट्रेनर्स हैं, हमने गाड़ियां खड़ी की हैं, नई गाड़ियां BS6 लाई है, एक एक गाड़ी को खोलते हैं, सब खराब भी तो होती है,
तो उसकी कॉस्ट तो हमें लेनी पड़ेगी। हम लोग ऐसा नहीं है कि ये फ्री में दे सकें, पॉसिबल नहीं है। हमारी फीस हमने हमारे वीडियो के साथ में दे रखी है। आप जब हमें व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको फीस की पूरी जानकारी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।